रोहतक जिले के भरान गांव में 5 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाकर कई एकड़ फसल को बचाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और किसान को 1 लाख रुपए देकर हौसला बढ़ाया। सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार में किसान और मंडी दोनों की हालत खराब है, नहीं है किसी प्रकार की कोई सुविधा, जिससे किसानों का पीला सोना मिल रहा है मिट्टी में। अनु बताए कैसे पता लगा पर क्या घटना हुई? मैं दूसरे खेत में था जी, एक किला परली साइड, और उसका ताने मैंने देखी आग लगी जी। मशीन भी अंदर थी, मशीन भी निकाल ली और ट्रैक्टर भी बच गया जी, वो तो बच गया, गेहूँ झड़ गया जी 5 एकड़। तो फिर कैसे कैसे लगी आग? रोड से लगी जी। ये 4 किला बच गया जी, ये कोई चिंगारी भगा गया? चिंगारी ये भगा गया जी को। तो कितने एकड़ जमीन थी, कैसे ले रखी थी किसकी? 5 एकड़ जमीन थी, ठेकन ले रखे जी 45,000 रुपये की। कैसे गुजारा चलेगा? कैसे चलेगा जी, तो प्रशासन देखो कैसे चलेगा। कौन कैसे पता लगा आपको कि आग लगी है? रोड की साइड से है जी, मशीन चल रही थी, हमने तो पूरी डूंडा उठ लिया जब पता चला। तो गेहूँ जब आए आप जल चुके थे पूरे? नहीं, मशीन निकाली है, बच्चे निकाल लें गेहूँ में से। ये तो यहाँ चालू कर रहा था, इसको काटना चालू किया था। कितने एकड़ जमीन थी और कैसे पता लगा आपको कैसे आग लगी? आग क्या क्या पता, रोड चलता कौन क्या कर, बीड़ी गिर गया क्या कर गया, रोड की साइड से चल रही, रोड की साइड से वहाँ से आई है ना आग? तो आग तो रोड की साइड से आई है जी। कितने एकड़ जमीन थी आपकी? यहाँ 5 एकड़ जल, सारी 9 एकड़ थी, 4.5 किला जल गया, 5 कट्टर लिया था। तो कैसे कैसे आधे पे ले रखा था या ठीक माड़ पे ले रखा? माड़ पे ले रखा था 45,000 रुपये किला। कैसे गुजारा चलेगा आपकी, क्योंकि सारी उम्मीद सिर्फ मर्जी है मालिक की, जो करेगा उसको मंजूर है। सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं? मर्जी है सरकार की, कुछ मदद करेगी तो मदद करेगी, और हमारे विधायक साहब ने हमारी मदद की है पहले, करी है, भी करेंगे। विधायक आए आपके, कुछ राहत दी है आपको? दी है, 1 लाख रुपया दिया। किए आज मेरा किसान पिस रहा है और ये राजनीतिक लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये गरीब आदमी, इसने 45,000 रुपये एकड़ में ये जमीन माड़ पर ले रखी है। इसका 2.5 लाख रुपये में तो ये ले रखी है एकड़, इसका जो पैसे ये दे चुका है। आज इसकी क्या हालत है, इसके दिल पे क्या है, लेकिन इन राजनीति लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं। मैंने गुरा लगाई, मैं हाथ जोड़े मुख्यमंत्री के सामने कि आप ये व्यवस्था जो आज के दिन में जो चल रही है किसान के साथ में, ये फार्मूला प्रयोग मत करो, और किसान का जितना जल्दी हो सके उसकी गेहूं को कटवा के उसको मंडियों में उसको लेने का काम करो। ये आज उसी का नतीजा है। आज 28 तारीख हो चुकी है, अगर हरियाणा सरकार अपना इस प्रयोग को ना करती तो शायद आज ये फसल ना जड़ी होती। इस गरीब ये अपनी फसल को 10 दिन पहले काट कर, 1 हफ्ता पहले काट कर मंडी में बेच चुका होता, लेकिन ये जो सिस्टम तंत्र, जो हर थोड़ा थोड़ा गेहूं जो लिया जा रहा है, आज किसान पिस रहा है, उसी का नतीजा है। तो आप और मैं आज भी कोई मांग करते हैं सरकार से? बिल्कुल, मैं इसके लिए पूरी जो सरकार से इसके मुआवजा दिलाने का अपना पूरा हर संभव प्रयास करूँगा। मेरी तरफ से एक छोटी सी होना कुछ नहीं है, लेकिन इसको हौसला अफजाई के लिए मैंने जो 1 लाख रुपये दिए हैं, ताकि इसका एक मन में एक ये तो लगे कोई तो मेरे पीछे, उस से कम अपने परिवार का गेहूं खरीद के उसका तो गुजारा कर लेगा। एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन उस किसान का दर्द कितना बड़ा है ये आज सोचने की बात है। ये राजनीतिक लोगों के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ये भाषण देते हैं, अपने जो है ना वीडियोग्राफी करके किसान की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन किसान के दर्द को समझने वाला ये राजनीतिक लोगों में कोई नहीं है। और जब तक ये किसान इसी प्रकार से पीड़ित रहेगा अन्नदाता, देश और प्रदेश का विकास नहीं संभव है। तो मैं पुनः आप सब के माध्यम से इस अंधी बहरी सरकार को, जो हर बात पे किसान के नाम पर राजनीति, मजदूर के नाम पर राजनीति करते हैं, इनको इनके साथ में खड़ा होकर इनकी दुर्दशा के बारे में चिंतन करना चाहिए। और ये खाली भाषणों से किसान बचने वाला नहीं है, किसान की आय दुगुनी होने वाली नहीं है, उसके लिए अथक धरातल पर प्रयास करने पड़ेंगे और ये प्रयोगशाला बंद करनी पड़ेगी। आज जिस प्रकार का माहौल हालात आप देख रहे हैं, आड़तियों की सरकार की, उसमें आज किसान पिस रहा है। सरकार कौन होती है?
सरकार को किसान से पूछना चाहिए कि वो अपना गेहूं आड़ती के माध्यम से बेचना चाहता है या कैसे बेचना चाहता है। जिसमें किसान खुश हो वही प्रक्रिया अडोप्ट करनी चाहिए सरकार को। लेकिन ये अड़ियल रवैया, अपने आप को बड़ा और ताकतवर दिखाने का रवैया आज ये जो है माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का, जिसकी वजह से आज किसान पिस रहा है, रो रहा है। किसान को डबल डबल पहले गेहूँ अपने घर में, आज हालात ये है कि किसान के घर में गेहूँ भरा पड़ा, उनके रहने की जगह नहीं है। पहले वो अपने घर में डाल रहा है, उसके बाद उसको डबल डबल, घर में दो मियाँ बीबी छोटे बच्चे हैं, उसको कौन तो उसको डालेगा। आज मजदूर नहीं मिल रहे, मशीनों का अभाव है, लेकिन सरकार सोई पड़ी है। वो अपने आप को ताकतवर अड़गिल दिखाकर अपनी प्रयोगशाला अपना है। उसके पीछे मंशा क्या है मुझे नहीं मालूम। कहने में सुनने में ये भी आया है कि वो किसान का कर्जा काटना चाहती है। आज इस अपनी जो भंडार खाली हो गए हैं, जिसमें आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, वो किसान से भरना चाहती है। मैं कहता हूँ, अरे कुछ तो शर्म करो, ये किसान तो इस देश का अन्नदाता है। कभी इससे 5-5 किलो इससे कटौती की बात करती है, इससे अनाज मांग करने की बात करती है, और दूसरी तरफ किसान की हालत क्या करती है।